साल 2020 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित हो रहा है। जी आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़े आर्टिस्ट हमें छोड़ के जा चुके हैं। पहले इरफान खान, फिर ऋषि कपूर, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के CEO कुलमीत मकड़ का निधन हुआ। आपको बता दें कि हाल ही में एक और बुरी खबर आ चुकी है। जी हाँ, जय गंगा जल के डायरेक्टर अनिल अजीताभ का हाल ही में निधन हो चुका है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल अजीताभ बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। जय गंगा जल उन्हीं ने ही डायरेक्ट की थी, जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा हमें लीड रोल में नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने कई अच्छी फिल्में की हैं और उनका ज़्यादातर काम स्टार निरहुआ के साथ किया गया है। अगर हम बात करें उनकी फिल्मों की, तो हम बाहुबली, रणभूमि, एक दूजे के लिए जैसी मशहूर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा अनिल ने जय गंगा जल, अपहरण और दिल क्या करे जैसी फिल्मों में एज एसोसिएट डायरेक्टर भी काम किया है। दामल, मृत्युदंड, अपहरण और राजनीति और बंदिश जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने स्क्रीन राइटर के रूप में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। अगर हम बात करें अनिल अजीताभ के जाने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी शोक की लहर है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर की जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैंस भी सोशल मीडिया के जरिए इस बात का दुख जता रहे हैं। तो आइए इन पोस्ट पर हम भी एक झलक डाल लेते हैं। हमें उम्मीद है कि 2020 अब आने वाले समय के लिए तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही रहेगा और पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये सब ठीक हो जाएगा और लॉकडाउन खुलेगा और सब अपने अपने काम में वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए आप भी सेफ रहिए और अपने घरों में रहिए। सो दैट्स रैप फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेट्स की वॉचिंग बुगल बॉलीवुड।